गाइस हेलो, गुड आफ्टरनून, नहीं इवनिंग होने वाली है, 4 बजने वाले हैं। हम निकल रहे हैं, हमारी पैकिंग के लिए खाना है, ये हमारा तीनों का बैग है, ये मेरा पर्स है, एक मेरा पर्स उसमें है, उसमें किसमें बैग में, और ये है हमारी दीदा, ये भी तैयार हो चुके हैं, हम बस निकल रहे हैं। अभी हमारे दो दोस्त हमें डेराबसी से ज्वाइन करेंगे, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी। और जल्दी है हमें इस टाइम निकलने की, क्योंकि हमें है कि ट्रेन ना छूट जाए। तो मिलते हैं, ब्लॉग हमने शुरू कर लिया है, बने रहिएगा ब्लॉग में। अमन भाई से हाय, प्रीति हेलो हेलो, ये है हमारी कार। तो ट्रेन हमारी आ चुकी थी और ये है हमारे जीजू और ये दीदी। इस टाइम ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं कुछ बोल भी रही थी। इंटरव्यू ले रहे हैं हम। हेलो प्रीति जी, आपको कैसा लग रहा है अंदर बैठ के? बड़ा ही गंदा। तभी हम बाहर यहाँ इन्होंने अपना फोन सेट कर लिया था, दोनों जने मूवी देखते हुए जा रहे थे। 4 घंटे का सफर जो था इन्होंने ऐसे ही निकाला है। मैं और प्रीति तो बस, हमें तो ये था कि ट्रेन चल रही है, हवा मिलती रहे। वो देखो भी जोड़ी, हंसते की जोड़ी क्या कर रहे, क्या कर रहे? अच्छा, इन्हें ही काम सही जोड़ी। 2 3 4 5 6 फैल रखे हैं सारे पैरेट ब्रीज में। खाना जरा कितना हुआ है दिखाने का टाइम। ये बंदा सारे रास्ते में देख लीजिए, 1:30 मतलब 10 बजने वाले हैं। अब जा रहे हैं, आप बताओ। हम पहले होटल रूम लेंगे, फिर मत्था टेकेंगे, फिर कल सारा दिन घूमेंगे, फिर शाम को वापस निकलेंगे। तो हम आपको अभी होटल रूम में पहुँच के या फिर अमृतसर पहुँच के घुमाते हैं वहाँ का भी कैसे। अभी हम पहुंच चुके हैं अमृतसर। जहाँ ना व्हाइट फुआरा ना, वहां तेरे को करूँ, जहाँ व्हाइट फुआरा वहां करूँ। Now we are here, और अभी हमें फॉर्मूला रूम नहीं मिला, जा रहे हैं हम इधर प्रीति जी जा रहे हैं। प्रीति जी हेलो, हम पहुंच गए अमृतसर। या फाइनली हम पहुंच गए, क्या फाइनली हो रहा है, हमारा सब काम किया रहा है, मिलते हैं हम थोड़ी। है हमारा रूम, एक बेड यहाँ, दो वहाँ, इधर अभी लिट रहे हैं, पानी पिएंगे हम अभी, नहा के हो चुकी हूँ तैयार। ओह माय गॉड, तैयार, वेट। मैंने ये सूट डाला है जिसका यहाँ से ऐसे पल्ला है, और ये मेरा सूट है। ओ हमारे फाउंडेशन, अरे ये भी तैयार हो चुके हैं कानू से। अभी 2-3 मेंबर हमारे उनको तैयार होके बाद में दिखाते हैं। सारे मित्रगण तैयार हो चुके हैं। ये प्रीति, प्रीति की चोटी दिखाओ, इधर हो, पीछे मुड़, ये इसकी मैंने चोटी बनाई है, देख कितनी सुंदर है। अरे ये देखो, उधर दो, हेलो दो, हेलो दो, अभी बर्थडे जीजू, अभी आज है जीजू का बर्थडे, और क्या करेंगे हम, केक देखेंगे। पूरे 12 बज रहे हैं, हमने अभी इनको विश कर दिया और अभी हम खाएंगे मोमोज
और फिर हम लेंगे केक। कंपनी मिल जाएगा। और ये हम पहुंच गए हैं। क्या कितना ये क्या? कल मैंने ये मांगा है। आपने क्या मांगा है? कल मेरे को मिल चुकी है जो मैंने मांगी थी। आई नॉट मेरी गर्ल सुना मॉर्निंग गाइस, अभी प्रीति नहाई नहीं है। हमें खुद नहीं है। अमन भाई नहा लिए, नहाए नहीं है, ऐसे ही मुंह धो के उठ के आ गए हैं। जीजू नहीं नहाए, दीदी तो हमारे जमा ही नहीं नहाए, खिलरे पड़े हैं अभी तक। और अभी हम जाएंगे। मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये कुछ ऐसी मेरी ड्रेस है, मैं पूरी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और अभी हम जाएंगे जलियांवाला बाग, देन फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम जाएंगे अटारी बॉर्डर। यहाँ से मैं छलांग लगाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। दूसरे की चीजों पे हक जमाते हुए इधर आदमी है हमारे। बिना नहाए तैयार होने वाले लोग। सीरम भी, प्रीति सीरम की बारी है तेरे, देखिए ले सीरम भी दे रहे। ये है मेरी पूरी ड्रेस, चलो इधर हो जाओ। बेस साइड में, प्लीज साइड में। ये है मेरी पूरी ड्रेस और ये है मेरी लुक, फाइनल लुक। दिस इज जस्ट माय फाइनल लुक। ये मैंने कपड़े 5-6 बार डाल लिए लेकिन फिर भी मैं हल्का फ्रेश लगता हूं। जीजू आपकी शर्ट डाल दूं मैं? जीजू ने शर्ट डाली दीदी और इनकी फोटो। हां शर्ट, शर्ट, टी शर्ट, हाँ या सॉरी टी शर्ट। तो अभी 11-12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और हम आए थे कुछ खाने। यहाँ के छोले समोसे बहुत ही टेस्टी लगते हैं मेरे को। खूबी राम स्वीट्स के नाम से ये दुकान है, देखिए कितने अच्छे बनाए हैं। और कुलचा मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। हम करेंगे जीजू का बर्थडे का केक कटिंग। चलो ज्यादा ना कटिंग नहीं, इतना बहुत 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 बोलन तो दो, बहुत बहुत। चलो भाई चलो, दे दे प्रीति नाइफ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फोटो नहीं खींचे
तो जैसे कि आपको पता है कि हम जलियांवाला बाग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट करी हैं। आप भी अगर अमृतसर जाते हैं तो देख के आइएगा, ये सारा जलियांवाले बाग का व्यू है, अंदर का जो भी म्यूज़ियम है इनका। और पार्टीशन म्यूज़ियम इस बार हम नहीं गए, मे बी अगर हम नेक्स्ट टाइम अमृतसर जाते हैं तो वो भी आपको दिखा के आएंगे। और ये अंदर पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप चल रहा था बता रहे थे वो। और ये वो कुआं है जिसके अंदर लोगों ने कूद के जान दी थी, अभी तो ये काफ़ी भर दिया है और इसके साइड्स में शीशा लगा दिया गया है सेफ्टी कंसर्न के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इतना, और ये है गोलियों के निशान जहाँ पे गोलियाँ चली थी अमृतसर में जलियांवाला बाग में। और ये भी ये जगह देखने लायक है, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दोबारा चला जाएगी। वेटिंग फॉर सम पीपल, वेटिंग एनडीडी आ रहे हैं, वो दोनों आगे जा रहे हैं, मेरा भाई पीछे रह गया बेचारा। ये जा रहे हैं दोनों, पीरीपी और कुटू आपका पीछे है। फाइनली ये लड़की अभी यहाँ इतनी ऊंची पे चल चुकी है, इससे चढ़ी इस तरह बहुत अच्छे बोलते जुड़ी है और दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी, फिर भी मैं यहाँ बैठ गई। यहाँ पर बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी ऊंचे पे हाय हम हाय इंस्टीट्यूट पे पहुंच गए हैं। अब हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे आते जाते। तू है वो साइड में बैठा है, तो ये तक कि प्रीति को चढ़ा लाना पड़ जाए, पर बस कदम निकल जाता और फोन में ये हो जाता, बस घूमटी आनी स्टार्ट हो जाती उसको, जैसे वैष्णो देवी हुआ था उसके सामने। ये देखो पर्स लेके बैठा है, ये तो देखो कैसे बैठे है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है ये, हमारे ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हम जल्दी अपलोड करेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।